बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। उनका मकसद सिर्फ ये मकतूब पहुंचाना है, वो मैं पहुंचा दूंगी। किला फतह करने से पहले बहुत से ऐसे भेड़िए हैं जिनसे निमटना है, और सबसे पहले मुझे एक भेड़िए की तलाश है। वो कौन है अर्तुल सरदार? अलबास्ती। एक मकतूब है आपके लिए। किसकी जानिब से? इलबिल के खातून का है, सिरमा खातून ने दिया है मुझे। तो ये सिरमा खातून ने दिया है? क्या लिखा था उस मकतूब में? लिखा था कि कल खुफिया मकाम पर मिले मुझसे, आपको एक बहुत खास इंसान से मिलवाना है। अलबास्ती जिंदा है ये उसे बता दिया था, और ये भी कि उसके बहुत करीब पहुंच चुका हूं मैं। मतलब ये कि घबराहट में कोई गलती कर बैठेगा। इलबिलके ने मेरी इज्जत नहीं रखी, कबीले का भी नहीं सोचा, अपने भाई की पीठ पे वार किया उसने। मेरे लिए अब उसकी कोई अहमियत नहीं। या तो शरायत कबूल करें और इस मुआहदे पर मोहर लगाएं, या तैयार हो जाएं लेफ के किले को जमीन बोस होता देखने के लिए। साथ ही मैं किले के अतराफ की जमीन और राहदारियां भी कब्जे में लूंगा। कबूल है अर्तुरुल सरदार। अर्तुरुल इलबिलके से मिलने अकेला ही आएगा, शिकार करने के बजाय वो खुद शिकार होगा। वो घर की तरफ जा रही है। तो उसे यहां छुपाया है तुमने? निशानात के मुताबिक जाएंगे उस तरफ, चलो।
सरदार अंदर क्या कर रहे हैं? अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? से यहां मुलाकात होनी है इसकी। इलबिलके को यहां से ले जाओ, मगर मोहतात रहना। अर्तुल किसी भी वक्त यहां आ सकता है, मेरी बहन को नुकसान ना पहुंचे। जाओ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? खेल खत्म हुआ अलबास्ती। तुमने ही यह जाल बिछाया मेरे लिए, क्योंकि तुम जानते थे कि मैं यहां आऊंगा। जब आपका भाई कबीले पहुंचा तो जान चुका था कि आप उस निशानजदा चेहरे वाले का पीछा करेंगी। उसका कत्ल करवा दिया ताकि हकीकत आपके सामने जाहिर ना हो जाए। वो जानना चाहेगा कि आपको उससे क्या क्या मालूम हुआ है। सबसे पहले उसके सामने मजबूत रहिएगा। यूं जाहिर करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आपकी जान को खतरा हो इलबिल के हाथों। मैं ख्याल रखूंगी। अब मुझे करना क्या होगा अर्तुरुल सरदार? बेबोलात नहीं जानता कि सऊद में हम मिल चुके हैं, लेकिन अंदाजा होगा कि जल्द ही हम मुलाकात करेंगे। वो तदाबीर करेगा इस सिलसिले में, और जब आप उसे कहेंगी कि आप मेरे औताक में मुझसे जरूरी मुलाकात करना चाहती हैं, तो उसका तजस्सुस मजीद बढ़ जाएगा। और उसके बाद? मुझे इस बात का यकीन है वो भी आपके साथ मेरे पास आने की कोशिश करेगा। वो जानना चाहेगा कि मैं क्या जानता हूं। अब चूंकि आप वहां मुझसे तन्हाई में बात नहीं कर पाएंगी, इसलिए मेरे नाम खुफिया मकतूब लिखेंगी। मकतूब में लिखेंगी कि आप मुझसे उस निशानजदा चेहरे वाले के बारे में बात करना चाहती हैं, इसलिए मैं उसी खुफिया जगह मिलूं जहां पहले मिले थे। ये ख्याल रखिएगा कि वो मकतूब बेबोलात के पास किसी भी तरह पहुंच जाना चाहिए इलबिल के खातों। वो गद्दार जो अंधेरे में छुपना चाहते हैं, इंसाफ के सूरज की रोशनी में आश्कार हो ही जाते हैं। कुछ आदमी साथ लेकर गार में जाओ। मुझे सरदार ने यहां की निगरानी का हुक्म दिया है। अर्तुरुल कभी भी आ सकता है। यहां हमारे लिए जाल बिछाया गया है। सिपाहियों को फौरन वापस बुलाओ। बेबुलात सरदार को अकेला मत छोड़ना। जाओ जल्दी। We'll be right back.
सिपाहियों, कोई भी बच के जाने ना पाए, सबको मौत के घाट उतार दो। हम तैयार हैं। आज तुम बेनकाब हो जाओगे। हमने अब तक बेबोलाद को देखा, लेकिन आज अलबास्ती के चेहरे को देखेंगे। इल्बिल के, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुमने अपने भाई को, कबीले को और सबको धोखा दिया है। मुझ पे भरोसा करने के बजाय तुमने अर्तुरुल पे एतबार किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आपने क्या किया? इतने बेगुनाहों को आप कैसे मार सकते हैं? मैं आपको बहुत बहादुर समझती थी, मगर आप तो छोटे बच्चों के, कबीले वालों के, बेगुनाहों के, मासूम लोगों के कातिल निकले। भाई कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है। आपने इज्जत मट्टी में मिला दी, लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा करके रहूंगी। गद्दार नहीं हूं मैं, जो किया सही किया। तुर्क कबाइल को नहीं बल्कि बागी कबाइल को बर्बाद किया है मैंने। वो अहमक मंगोलों से बगावत कर रहे थे, मैंने उन बेगुनाह लोगों को मंगोलों के हाथों से मरने से बचाया। मैंने ये सब अपनी रियासत के लिए किया। मंगोलों के जुल्म से खुद को बचाने के लिए किया। अर्तुरुल की तरह ख्वाब देखने वालों को मंगोलों के गैज़ो ग़ज़ब से बचाया है, अपने लोगों की हिफाजत की है मैंने। तुम समझती क्यों नहीं? तुम अपनी गद्दारी और जराइम पर रियासत के मफाद की आड़ में पर्दा नहीं डाल सकते। अगर तुम जैसे गद्दार हमारे दरमियान न होते तो रियासत पर मंगोल काबिज नहीं हो सकते थे। ये मसला इतना अहम नहीं है कि हम अपनी रियासत को वसत नहीं दे पाए। मसला तो रियासत के गद्दार है। रियासत के साथ गद्दारी करने वाला जिस सजा का मुस्तहिक होता है, तुम उससे ज्यादा के हकदार हो अलबास्ती। तुर्गुत, अब तुम मारे जाओगे। तो फिर आगे आओ बुज़दिल। अगर तुम्हारे पास गद्दारी का संग आलूद खंजर है तो मेरे पास इंसाफ का तेज धार कुल्हाड़ा है। हमला करो। तो तुम मुझ पर तलवार उठाकर बहुत खुश हो? हाँ, तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। जो चेहरा तुम आखिरी बार देखोगे वो अलबास्ती का ही होगा।
तुमने कत्ल किया मासूम बच्चों का, कितनी ही माओं की गोद उजाड़ी तुमने, मगर तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं। तुम हाकिम बनना चाहते थे सऊद के, मगर कब्र भी नहीं मिलेगी वहां तुम्हें। सऊद से मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, उन सबको मारूंगा जिनका ताल्लुक तुमसे, तुम्हारी नस्ल या खून से होगा। हर उस शख्स को मार दूंगा जो मंगोलों की मुखालिफत में तुम्हारे नक्श कदम पर चलेगा। लेकिन पहले तुम दोनों इस दुनिया से जाओगे। तो फिर आओ सामने, दोनों को मार दो। हमला! मुझे अच्छी तरह जानते हो, देखते हैं मैं तुम्हें जानता हूं कि नहीं। तो ये तुम हो गद्दार, तुम और तुम्हारा सरदार मारे जाओगे, अलबास्ती तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएगा। अलबास्ती की बारी भी जल्द आएगी, लेकिन पहले तुम अपनी सजा पाओगे। मलिक शाह, अगर कोई जिंदा है तो उसे कैदी बना लो। जी साहब का हुक्म भाई। तुम रुल, तुम मेरे साथ चलोगे। चलो। खेल खत्म हुआ अर्तुल।
खेल खत्म। तुम कहा करते थे कि शिकार मेरा और सरदारी के मामलात आपके हैं भाई, लेकिन अब हम मिलकर शिकार करेंगे। आर्तुक भाई से मुझे मालूम हुआ है कि इस खबीस ने जाल में फंसाकर मेरे बेटे की जान ली थी। मंगोलों के साथ मिलकर हमारे कबीले पर हमला किया, हमारे भाइयों का खून बहाया, हमारे कितने बच्चों को यतीम किया। अलबास्ती, अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा मैं, बचोगे नहीं तुम। सुलेमान ने भी मरने से पहले यही कहा था। तुम्हारा अंजाम क्या होगा यह अभी देख लोगे तुम। हमला करो। और सुनो, तुम लोग उस तरफ जाओ। चलो जल्दी।
रास्ता नहीं है भागने का अल्पास्ती। आपने हमारे और कबीले के साथ बहुत बुरा किया है। तुम जैसे गद्दारों को आसान मौत नहीं मिलती। पहले तुम्हें इबरत बनाऊंगा दूसरों के लिए। तुम्हें यहां से जिंदा लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें यह एहसास हासिल करने का मौका हरगिज नहीं दूंगा। सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया आपने। खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, समझे? दुमरुल, सिपाहियों को लेकर दरिया के किनारे जाओ। अल्बास्ती की लाश को तलाश किए बगैर मत आना। जाओ। जैसा आपका हुक्म भाई। ये मलून मेरे बेटे का कातिल है अर्तुरुल। इसकी लाश देखे बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जल्द या बदे, मुर्दा या जिंदा ये किनारे पर जरूर आएगा भाई। इंशाल्लाह। बेबुलात के कुछ सिपाही जिंदा पकड़े हैं। बहुत खूब। क्या कोई आपकी आमद के बारे में जानता है कबीले में? कोई नहीं जानता। पहले सऊद गया था मैं, वहां पहुंचकर हालात का इल्म हुआ तो आर्तुक भाई को मना कर दिया था मैंने कि कबीले में किसी को ना बताए। तो फिर आपको कबीले जाना चाहिए भाई। मुझे इलबिल के खातून के साथ उमरुल्ला और कबीले में कुछ उमूद निपटाने हैं। बगावत रोकने के लिए हिफाजती इकदाम करने होंगे। कबीले के सिपाहियों को मालूम होना चाहिए कि उनका सरदार रियासत का गद्दार था। गुंदुब्दु भाई, सुलेमान के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत अफसोस है मुझे। मेरे भाई गद्दार हैं ये बात मैं हरगिज नहीं जानती थी। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अगर मेरा भाई अर्तुरुल आप पर भरोसा करता है तो फिर इन तमाम मामलात में आपका कोई कसूर नहीं। इलबिल के खातून, ये बहुत कड़ा इम्तिहान था, लेकिन सुरखुरू हो गई हैं आप इस इम्तिहान में।
हालांकि यह सब इतना आसान नहीं था, लेकिन यह जानने के इंसाफ का साथ देकर जान बचाने का जरिया बनी है आप मासूमों की। अर्तुरुल सरदार, अगर आप ना होते तो मैं हकीकत से आशना कभी नहीं हो सकती थी। मेरी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ था जो आज आपने हटा दिया और सच जाहिर कर दिया। आज के बाद मैं इसे अपना सबसे बड़ा एजाज समझूंगी। सिपाहियों, कैदियों को लेकर हम उमरुल्लार कबीले जाएंगे। जो आपका हुक्म भाई। बाहर आ रही है बेटा, लेकिन मेरा दिल तो अब भी सर्द है। सब लोग अपने बच्चों घर वालों के साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे और मैं बिल्कुल तना कहां खो गए तो कहां। वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन खबर नहीं आई अब तक कोई। कहां है भाई, आप कहां हैं? क्यों नहीं आए अब तक? आ गए भाई। अरे ये नकारा क्यों बज रहा है? चलो भाई चलकर देखो। भाई हमारे सिपाहियों को कैदी बनाकर निकाल रहे हैं। क्या करूँ तो हमारे सिपाहियों की हालत होते क्या करते हैं? हमारे बेगुनाह सरदार कहाँ है? क्यों ला रहे हैं? रहम करें हमारे।
बोला थी अलबास्ती था। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये क्यों कह रहे हैं? अर्दरुल सरदार से करीब होने के लिए आपने ये झूठी कहानी बना ली हो, कौन जानता है? उमरुल्लार कबीले की सरदार इलबिल के खातून होंगी। तुम्हारे रहा कौन है मेरे पास? मैं हूं तुम्हारे पास सलजान।